Now the first question, a pure substance or an element, a pure substance or an element contains A, two or more type of the particles. अभी पहले यही option को discuss करो. Pure substance, जब मैं पूछूंगी तभी answer देना. लागो कम यार. Sit down. So the first option is between two or more type of the substance particles. प्योर सब्सटेंस में कभी भी एक से या दो से या दो से ज्यादा पार्टिकल नहीं हो सकते. प्योर सब्सटेंस या तो एक एलिमेंट है या एक कंपाउंड है. अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसमें सब में एक वाटर एक कंपाउंड है, ठीक. तो उसमें सारे वाटर में H2O ही है, दैट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है. अगर मैं आयरन रोड की बात कर रही हूं तो उसमें सारी एफ ई ही है, उसके अलावा कुछ नहीं. पार्टिकल्स का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि वो इसकी एक यूनिट सेल है. यूनिट सेल का मतलब है एक ही जैसी चीज का बना हुआ है. जैसे कि रूम हर तरफ ब्रिक का बना हुआ है, ठीक है. भाई ये तो मिक्सचर हो गया, साथ में सीमेंट भी लग जाता है. अगर हम अकेली ब्रिक देखें तो अकेली ब्रिक है इसकी यूनिट सेल, ठीक. वैसे ही आयरन है तो अगर मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, कॉपर वायर में कॉपर की बात कर रही हूँ तो केली कॉपर का बना हुआ है, ठीक है. प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो एलिमेंट या कंपाउंड दोनों के बीच में बेटे कभी भी एक से ज्यादा पार्टिकल नहीं होते. पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एटम्स होंगे या पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. कंपाउंड में हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं और जब हम किसी न किसी एलिमेंट या किसी अकेली चीज की बात करते हैं तो उसमें एटम्स की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन हमने निग्लेक्ट कर दी. सेकेंड ऑप्शन, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एंड इफ एनीवन वांट्स टू गिव द आंसर ही और शी कैन रेज द हैंड. A pure substance contain one type of particles. No. Yes. How many type of particles? Particles की बात हो रही है. बेटे this option is very much right. अभी मैंने क्या समझाया? Particle तो water ही है, एक molecule है ये. इन मॉलिक्यूल को बन के पूरा वाटर बना है. तो वाटर का अगर एक ग्लास पानी है मेरे पास तो पूरे में H2O ही है, ये एक पार्टिकल है. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. मैनी टाइप ऑफ द पार्टिकल है तो बिल्कुल रॉन्ग है. टू और मोर फॉर्म ऑफ द मैटर, अगर एक से ज्यादा मैटर हो जाए तो ये तो मिक्सचर बन जाएगा. जैसे अलॉय, उसमें क्या है, मेटल और नॉन मेटल. मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स इज नोन एज अलॉय. तो अगर आप टू फॉर्म ऑफ मैटर को मिक्स करोगे तो ये कुछ और चीज बन जाएगी. तो ये हमारी ऑप्शन क्या है, बी. एग्जाम में निग्लेक्ट करने की आदत डालो. एमसीक्यू है, 40 एमसीक्यू है एग्जाम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. समझ आ रही है? विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलाइडल सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलाइडल सॉल्यूशन.
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है फिर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेज द हैंड एंड देन योर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव द आंसर्स. रे योर हैंड. यस. What is a copper sulfate solution? You are saying that copper sulfate solution is not a colloidal. Then what is it? Copper sulfate, bete. It is copper sulfate solution. What is it? If it is not colloidal, what is it? आपने सीधा ना कह दी तो क्या है ये? ये क्या है पहले ये बताओ. ये है क्या? फिर है क्या बोलो. दिस इज अ ट्रू सॉल्यूशन. व्हाई इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन? देन व्हाट इज इट? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट इज कॉपर सल्फेट एंड सॉल्वेंट इज वाटर. सॉल्यूट क्या है? कॉपर सल्फेट. हमने कॉपर सल्फेट को किसमें घोला गया है? वाटर में. नेक्स्ट इज चॉक पाउडर इन वाटर. चॉक पाउडर इन वाटर इज इट अ कोलाइडल? एनीवन? इट इज अ कोलाइडल. Why chalk powder in water is a colloidal? Then mix nahi ho rahe. Quiet. जो खड़ा है वही बात बोलेगा. बीच बीच में बोलना नहीं है. शोर लगता है बेटे ऐसे. हाँ आपने मुझे ये बोला कि चॉक पाउडर इन वाटर इज अ कोलाइड. हमने बोला क्योंकि ये मिक्स नहीं होता. हाँ बोलो. कोई बात नहीं बेटे सोचो. यू आर ट्राइंग. यस. तो ये क्या है फिर? क्या है क्यों है तो आप बोलो ना बेटे. बिकॉज इट इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच चॉक पाउडर इज सस्पेंडेड इन द वॉटर. बिखरा हुआ है. सस्पेंडेड है. मिक्स नहीं हुआ. जब हम निग्लेक्ट वाली ऑप्शन रखते हैं तो सारी ऑप्शंस को क्यों हमने निग्लेक्ट किया उसका भी आंसर हमारे पास होना चाहिए. अब क्योंकि अगर ये चार ऑप्शन आई हुई हैं, यहाँ पे कोलाइडल पूछा गया एग्जाम में, हम सस्पेंशन पूछ लें कि विच इज सस्पेंशन, तो आपको हर ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि हर ऑप्शन का क्या आंसर है. समझ आ रही है? केरोसिन ऑयल एंड वाटर इज इट ए कोलाइड? राइट. It is not dissolving. It is not miscible with each other. वो तो अलग अलग layers बना के बैठे हुए हैं. The lighter is floating up. That is kerosene. And water that is denser is at the bottom. So if it is not, it is forming layers, how can be it a colloidal? Colloidal to seems to be homogeneous. It doesn't seem to even homogeneous. It is even not even mixing up. So the answer is starch solution. जो मैंने option last में जिसका answer था वो मैंने option last में बोली है. The answer is starch solution, which seems to be homogeneous, but it is heterogeneous, which are particle dimensional between true solution and suspension, which will show the Tyndall effect.
which is having two parts, that is dispersed phase and dispersion medium. Milky collider. That is separated by centrifugation. So भी आपको बटर अलग मिलता है. Which of the following is not a mixture? Which of the following is not a mixture? Mixture नहीं है. Soap solution, is it a mixture? No. No. Soap solution is not a mixture. Yes. Just Karan, soap solution is a mixture. What is a soap solution? उसमें सोल्यूट क्या और वॉटर क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सोप क्या है बेटे? वॉटर क्या है? What is a solute? Stand up. What is a solute? मैंने नमक को पानी में घोल के दे दिया. नमक को पानी में घोल के दे दिया. अब नमक क्या और पानी क्या है? कौन सोल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? ट्राई कर. सोचता बहुत है क्लास में बैठ के बेटे. When the teachers are standing here, ना, they are noticing everything. Every single bit of you. That is why we are teachers. Now, what is salt and what is water in the solution of salt in water? आ सबको पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, जिसको नहीं पता. अभी उसकी भी बारी आने वाली है. जस करण, नमक है ना वो सोल्यूट है. जिसको घोला जाए ना वो सोल्यूट होता है, और जिस में घोला जाए उसे सॉल्वेंट कहते हैं. तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट. नमक क्या है? अब सॉप सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है? वेरी गुड, सिट डाउन. दिस इज अ क्लास ऑफ अवर 48 स्टूडेंट्स टोटल, बट नाउ ऑनलाइन ऑफलाइन दे आर 16. Every student has doesn't have same IQ. समझ आ रही है? किसी के कुछ characteristics अच्छे होते हैं, किसी के कुछ. Don't laugh at anyone. बस चुप जाओ, सुना करो. Blood is a blood is a mixture. Yes. Which type of mixture? Which type of heterogeneous mixture? Heterogeneous में दो करें, collider suspension. This is suspension. तो क्या है ये? Yes, blood is a collider solution. Blood is a collider, that is heterogeneous. So it is again a mixture. Now next is coal. Is a coal a mixture? No. Yes. Why? Coal is a akeli carbon hoti usme. No. Again raise the hand. Purest form of the coal is coke. That is also 98% of carbon. प्योरेस्ट फॉर्म जो कार्बन की है वो कोक है. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन इज कोक. दैट इज ऑल्सो दैट नॉट यू आर ड्रिंकिंग ऑफ द कोक इज अ सॉलिड कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल. दैट इज ऑल्सो 90% ऑफ द 98% ऑफ द कार्बन.
And coal has different varieties, that is peat, lignite, anthracite and all, which doesn't have 100% of the carbon. So it is a mixture. And now we have to search, is homogeneous, heterogeneous? This is the homework. And tell me. Which type of heterogeneous? Suspension. Now जो रह गया वो मिक्सचर नहीं होगा, तीन चीजें डिस्कस कर ली, दैट इज वी आर रिमेनिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड CO2, ठीक है, विच इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, विच इज नॉट अ मिक्सचर, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है. नेक्स्ट, Which of the following is a physical change? Which of the following is a physical change? Is the burning of candle is a physical change? No. Yes. Again. Sab bolne shuru karte ho. Both. Yes. It, अब आपसे सर फिजिकल चेंज पूछा, बहुत नहीं पूछा किसी ने. पर अब पता क्या है, वट इज द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन हियर? Means combustion is going on. Yes. Physical the wind. Sit down. Rusting of iron is a chemical change or again? Arsh, stand up, Arsh. Rusting of iron is a chemical change or a physical change? Chemical, why? Lavanya, quiet. You are PA to everyone? Quiet. Yes, why rusting of iron is a chemical change? What is happening in rusting of iron? Kya hota hai rusting of iron? Jo bachpan se padhte aa rahe ghar pe hoti rehti hai. Yes, just karan, Punjabi mein kya kehte hain rust ko? हालात देख ले तेरे. बोल क्या बनता है बेटे रस्टिंग ऑफ आयरन में? वेरी नाइस. क्या बनता गया? व्हाट इज हैपनिंग इन रस्टिंग ऑफ फायर अगेन? वेरी नाइस. हाँ, तो दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड बनती है बेटे. तो आयरन एक एलिमेंट था, उसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन और वाटर के साथ और आयरन की ऑक्साइड बन गई. तो एक कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया? बन गया. तो ये क्या होगी? एक केमिकल चेंज. क्या होगी? एक केमिकल चेंज, क्योंकि एक नई चीज बनी और हमें फिर से आयरन नहीं मिल सकता उससे.
Yes. Digestion of food. Digestion of food. Why it is chemical change? Why it is can't be reverted? What is forming in the digestion of food? What is forming in the digestion of food? What is the reaction going on? Chemistry teacher ne to yahi puchna bete. What is the reaction going on? What is respiration? What is the respiration action? What is photosynthesis? What is the reaction in the photosynthesis? Again, all are started. CO2 plus H2O plus sunlight with chlorophyll is equal to O2 plus O2 plus oxygen plus main glucose C6H12O6. तो यही जब आप digestion करते हो, जब आप respire करते हो, तो यही चीज होती है C6H12O6 जो है वो carbon dioxide water बनता है, giving you energy. C6H12O6 in presence of oxygen give you carbon dioxide water and एनर्जी. दैट इज वाई जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको फाइनल क्या होगी? एनर्जी मिलेगी. तो एनर्जी में कौन सी रिएक्शन हो रही है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट विल टर्निंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गिविंग यू एनर्जी. सो वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज अ फिजिकल चेंज. द ऑप्शन इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज. बोलते बोलते सारे. इट सीम्स दैट क्लास इज वेरी नॉइसी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ एग्स. आई एम सेइंग ओनली मेल्टिंग ऑफ एग्स. क्वाइट. I am not saying burning of a candle. It is a physical change. Wax is only melting. I am not saying the burning of a candle. मेरे पास wax हो, मैं melt कर दूँ तो वैसे ही मिल जाएगी. Mixing of iron filling with sulfur. Mixing of iron filling with sulfur. Mixing. Mixing of iron filling with sulfur. It's chemical. मैं iron की filling दे रहूँ. Iron filling क्या होती है? मैंने MCQ छोड़ देने हैं. मैंने खुद ही question पढ़े जाने हैं, खुद ही answer दे देने. जैसे revision होती है ना आम classes में, ऐसी होती है. तो ऐसी होगी हमारी class में भी. खुद ही क्वेश्चन बोलने हैं, खुद ही आंसर देने हैं. इफ यू हैव आयरन फिलिंग, यू हैव सीन इन द लैब ऑलवेज आयरन फिलिंग आपको दिखाई जाती है. सल्फर का पाउडर होता है, मैंने आपको मिक्स करके दे दिया. क्या ये केमिकल चेंज है? अगर मैं उसके अंदर मैग्नेट लगाऊंगी ना तो आयरन लग हो जाएगी. तो ये एक फिजिकल चेंज है. अगर मैं इन दोनों को हीट कर दूंगी ना तब केमिकल चेंज होगी, क्योंकि आयरन सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट करके ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगी, या इस तरह का बनाएगी आपके लिए. It has to both have two. जब रिएक्शन हो जाती है तो केमिकल हो जाता है.
जब आप हीटिंग कर देते हो या उसको डाल के आप कुछ भी कर देते हो, रिएक्शन हो जाएगी तब केमिकल होगा। जब तक दोनों पाउडर की फॉर्म में है आप अलग कर सकते हो। समझ आ रही है? गेटिंग माई पॉइंट? तो मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर इज अ फिजिकल चेंज, बट जब उनकी रिएक्शन हो जाएगी तो न्यू कंपाउंड दैट इज आयरन सल्फाइड विल बी फॉर्म एंड इट विल बी अ केमिकल चेंज एंड इट इज गिवन द एनसीईआरटी इटसेल्फ इन द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। कल अब आओगे ना तो जितना आपका रिवीजन टेस्ट फर्स्ट का सिलेबस है यू विल कम रीडिंग। दिस इज द वे आई एम टीचिंग। समझ आ रही है? ये वांट फुल पार्टिसिपेशन। एक चैप्टर का आधा चैप्टर ही पढ़ना है आपने बस, सिर्फ हाफ चैप्टर। डाउट ओवर ऑयल क्लियर देन यू विल बी आंसरिंग इट, और यू आर नॉट शाउटिंग इट यू विल आंसर इट, और अदरवाइज आई विल स्टार्ट ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर जस्ट करन, इट इज अ केमिकल और फिजिकल चेंज। स्टैंड अप। फिर मन में सोचा करो, अपने टंग कंट्रोल किया करो। तूने पानी में नमक घोल दिया, क्या तू नमक और पानी को अलग कर सकता है? कैसे? कैसे कर सकते हैं? इवेपोरेशन से, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। जो चीज हमें फिर से मिल सकती है वो केमिकल चेंज होती है कि फिजिकल? तो ये क्या है? सिट डाउन। कुकिंग ऑफ फूड, सब्जी बन गई क्या सब्जी कच्ची हो सकती है? बस यही केमिकल चेंज है। हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी वाला बॉल। अलॉयज, अलॉयज आर, अलॉयज आर, अलॉयज क्या है? प्योर सब्सटेंस है। फिर शुरू हो गए, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी अब। अलॉयज आर प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड और फिक्स कॉम्पोजिशन। आंसर है जी होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि अलॉयज में मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है। दिस यू वांट। यू शुड डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो आप। अब फिर से आपने यही रिपीट किया ना, उसी टाइम आंसर दिया, तो नेक्स्ट का भी मैंने ऐसे आंसर देना आपको। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। नो, तो किसका होता है ये पार्टिकल साइज? सस्पेंशन पक्का? कोलाइडल्स का नहीं होता? फिर कोलाइडल क्यों क्या होता है? यही तो मैंने बुलवाना था। कोलाइडल इज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज, अबव 100 इज सस्पेंशन, बिलो 1 इज ट्रू सॉल्यूशन। गेटिंग माई पॉइंट? बिलो 1 इज ट्रू सॉल्यूशन, 1 to 100 इज कोलाइडल, मोर देन 100 इज सस्पेंशन। क्योंकि ट्रू पूछा है तो कुछ मर्जी पूछ सकते हैं। अब ऑप्शन सुनो।
लेस देन 1 नैनोमीटर मीन्स ए ही ऑप्शन है. बिटवीन 1 to 100 इट विल बी कोलाइडल. मोर देन 100 इट विल बी सस्पेंशन. एंड मोर देन 1000 तो सस्पेंशन ही होगी, बहुत बड़ा हो गया. नमक तो सोल्यूशन. विच इज द मोस्ट स्टेबल, विच इज द मोस्ट स्टेबल. अभी तो ऑप्शन मोस्ट स्टेबल वाले सारे ऑप्शन बोलने पड़ेंगे हमें. ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, मिल्क. मिल्क क्यों नहीं है. विच इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल. द ऑप्शंस आर ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड मिल्क. इसने आंसर दिया कि मोस्ट स्टेबल मिल्क है, ट्रू सॉल्यूशन. और मैंने पूछा मिल्क क्यों नहीं है. मिल्क इज अ कोलाइडल. ट्रू सॉल्यूशन जो है बेटे जल्दी सेपरेट आउट नहीं होते. नमक को आपने पानी में घोल के रखा तो नमक अलग नहीं होगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा. दूध भी जम जाएगा बेटे, बाहर रख दोगे ना कोगुलेशन हो जाएगी. कोगुलेशन जमना, गंदा सा पनीर जाएगा जो खाया नहीं जाएगा. कोगुलेशन, C O A